हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है संडे का वीडियो और सुबह सुबह मेरे हो चुके थे काम शुरू, तो मेरी तबीयत आजकल थोड़ी सी खराब चल रही है। तो उसके बाद सुबह से फिर काम में मैं लगी रही और फिर बच्चों का नहलाना धुलाना। तो अब बच्चियों को रहते थे बालों पे तेल लगाना, क्योंकि संडे को ही मैं इनके बाल वगैरह धो देती हूँ, क्योंकि मंडे को फिर धो नहीं पाती हूँ। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 इनको निकलना होता है स्कूल के लिए, तो उसी करके मैं फिर नहीं धो पाती हूँ। तो संडे को ही धोकर इनके बालों पर ऑयलिंग कर देती हूँ और आराम से फिर इनके बाल बना देती हूँ। तो कपड़े वगैरह और घर की साफ़ सफाई जब हो गई थी, तो उसके बाद मैं बच्चों के बाल वगैरह बनाने में लग गई थी। और उसके बाद फिर खुद के बालों की बारी आ गई थी, क्योंकि खुद भी मैंने हफ्ते भर से इस बार नहीं बालों को धोया हुआ था। और एक बार हफ्ते में मैंने शुक्रवार को पैक लगा के रखा था, उसके बाद धोना फिर ऐसे ही रह गया। और काफ़ी दिन मुझे हो गए थे, तो अपने भी बाल मैंने धोए और उसके बाद अपने बालों पर ऑयलिंग वगैरह की। तो उसके बाद फिर बाकी के काम घर के वगैरह निपटाने पर मैं चली गई। और सबसे बड़ा काम तो यही होता है संडे को कि सारी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए, और बच्चों के साथ के कारण थोड़ा बहुत कंप्लीट हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे फिर आपस में तीनों मिलकर खेल लेते हैं और फिर मैं कर लेती हूँ अपनी जो भी है छोटी सी क्लीनिंग। उसके बाद हम चले थे डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है, तो उसी के कारण। तो आके फिर मैंने बनाए थे, मेरे पास सब्जियां तो खैर थी, लेकिन बैंगन मेरे लगे हुए थे अपने ही किचन गार्डन में, तो उन्हीं की मैंने सब्जी बना दी थी। तो यही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, शायद मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हो। और टमाटर टमाटर को भी मैं ऐसे ही छोड़ गई थी और उनकी साफ़ सफाई किए बिना ही रख दी थी। तो ये डंठल हम साथ में ही डालते हैं, जो आप डंठल देख रहे थे हैं बैंगन के, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। खैर, अपने खाने पीने का सबका अलग अलग तरीका होता है। और बैंगन हो गई थी बनकर तैयार। तो ये है दूसरा दिन। तो जी, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके, मंडे की सुबह है ये, और मैं भेज रही थी बच्चों को स्कूल। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर बाकी का काम निपटाया मैंने। ये मेरा बच्चा, खैर ये भी अपनी दीदियों को स्कूल घर छोड़ने नहीं दे जरूर रहा। जाता है, तो ये उनके पीछे पीछे ही जाता है कि मैं भी जाऊंगा, तो गेट तक जरूर छोड़ के आता है ये दीदियों को। और फिर चलो बेटे बच्चियों को चलो, देखो स्कूल सारे बच्चे छोड़कर जा रहे। तब वापस वही अपनी घर की क्लीनिंग। तो यही होता है जी हर रोज का काम। तो मोन काम का अतो तो पगले देखिए जी, बेटे, देखने ही ऐसे नहीं लगता है कि करते, काम कोई नहीं है, और इसी काम में 9:30 10 रूठना 9:30 10 मनाना हो नहीं, जाते ऐसी हैं। बातें चलती तो रहती आधे है। घंटे के बाद मैं फिर क्लीनिंग पर लगूंगी, क्योंकि अभी चले हैं मेरे बच्चे स्कूल, तो जाते ही नहीं लगाते हैं झाड़ू पोछा तुरंत करके। तो उतने में जब क्लीनिंग मैं करने लगी, तो देखिए मेरे बच्चे ने तो सारी उसी ने कर दी थी साफ सफाई। तो थोड़ी थोड़ी सी बस क्लीनिंग की, सबसे पहले किचन की ही क्लीनिंग मैं करती हूँ, तो किचन का निपट जाए तो बाकी फिर आराम से होता रहता है, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा ज़्यादा होता है साफ सफाई का काम, कहीं कुछ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।